लेट अस एंटर इनटू वन मोर एग्जांपल। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 3। 33 अपॉन 39 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन बॉक्स। सेम पैटर्न, इनकम्प्लीट फ्रैक्शन को नहीं देखना है। सो अब क्या बचता है, 33 रिड्यूस होकर क्या बन गया है, 11। डिक्रीज होकर क्या बन गया है, 11। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 33 अपॉन 39 को लिखेंगे। डिवाइडेड बाय। अब आपको आंसर क्या चाहिए, 11। तो 11 के टेबल में 33 कब आता है, 11 3 का, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय 3 या फिर 3 के टेबल में 33 कब आता है, 11 का, एंड 3 के टेबल में 39 कब आता है, 13 3 का। तो आप लिख दोगे इधर 13 और 13 पे आप लगा दोगे बॉक्स। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल 51 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 17 अपॉन बॉक्स। करेक्ट। अब ये जरूरी नहीं है बेटा कि बॉक्स हमेशा नीचे ही आएगा। आप लोगों के लिए चलिए मैं इसको उल्टा कर लूंगा, ठीक है। मैं यहां ले लेता हूं 4 अपॉन बॉक्स। नहीं तो आप ये समझेंगे कि सर आप हमेशा डिनोमिनेटर में ले रहे हो, बॉक्स किधर भी आ सकता है। आपको सिर्फ ये देखना है इनकम्प्लीट फ्रैक्शन को नहीं देखना, बस। आई डोंट वॉन्ट टू लुक एट एन इनकम्प्लीट फ्रैक्शन। अब आप क्या देखते हो कि 12 डिक्रीज होकर क्या बन गया है, 4। एंड इफ एनी फ्रैक्शन इज डिक्रीजिंग एट दैट टाइम आपको क्या करना है, डिवाइड। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे 51 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय। अब आप 4 आपको आंसर चाहिए, करेक्ट। तो आप 4 का टेबल बोलो और ढूंढो 4 के टेबल में 12 कब आता है, 4 3 जा 12। तो आप कर दोगे डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट। अब सिंपल है, 3 के टेबल में 51 कब आता है, दैट इज 17 जा, और 3 के टेबल में 12 कब आता है, दैट इज 4 जा। तो आप 17 पे लगा दोगे बॉक्स। एंड द कंक्लूडिंग एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू डिवाइड व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिक्रीजिंग इज ऑन द बोर्ड। एक लास्ट और फाइनल एग्जांपल हम देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर 5 देखिए आप लोग, 20 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू बॉक्स अपॉन 10, ठीक है। अब आप वापस से वही कंसेप्ट को दोहराएंगे। आप क्या देख सकते हो, यहां पर 50 डिक्रीज होकर बन गया है 10। सो व्हाट इज टू बी डन, अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है, अ फ्रैक्शन इज डिक्रीजिंग एट दैट टाइम यू हैव टू डिवाइड। वेरी गुड। तो आप सबसे पहले यहां लिखोगे 20 अपॉन 50 डिवाइडेड बाय, करेक्ट। अब आपको 50 को डिक्रीज करके 10 बना देना है, मींस आपको 10 का टेबल बोलना है। 10 के टेबल में 50 कब आता है, 10 5 का, तो आप 5 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 5, करेक्ट। और अब आप 5 का टेबल बोल, 5 के टेबल में 20 कब आता है, 4 सर, एंड 5 के टेबल में 50 कब आता है बच्चा, 10 सर। सो द करेक्ट आंसर इज
4 अपॉन 10। बाय दिस आप लोगों ने डिवीजन कब किया जाता है एक फ्रैक्शन में उसे भी सीख लिया। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, इनकम्प्लीट फ्रैक्शन को देखना नहीं है, सिर्फ कंप्लीट फ्रैक्शन से मैच करना है। अगर एक फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है सो वी विल बी मल्टीप्लाइंग ओवर देयर, और अगर वो फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है सो वी हैव टू डिवाइड ओवर देयर। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, डू प्रैक्टिस एट योर होम। थैंक यू।